अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आर जे रमझाजन में। हमारा पता है सुरी घाट बाईपास रोड पड़ाव चौक मुंगेली। बेली जिले के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंदली में सरपंच सचिव व रोजगार सहायक का अनूठा कारनामा सामने आया है। भ्रष्ट सरपंच सचिव द्वारा शासन के योजनाओं का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। प्रदेश में नई सरकार बनते ही भूपेश सरकार द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की सुरक्षा के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए प्रत्येक पंचायतों में राशि आवंटित कर गोठान निर्माण का कार्य भी प्रारंभ करवाया जा चुका है और गोठानों का निर्माण कार्य भी जारी है। लेकिन मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चंदली के सरपंच सचिव व रोजगार सहायक द्वारा सरकार के महत्वाकांक्षी नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी योजना की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ बने गोठान में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि गोठान में किए गए वॉल निर्माण, पानी शेड, गोबर खाद के लिए बनाए गए शेड टूटने व उनमें दरारें आने लगी हैं। वहीं गोठान में हो रहे निर्माण कार्य में मनरेगा के तहत मजदूरों से कार्य करवाया जाना तय किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत चंदली में सरपंच सचिव व रोजगार सहायक के मिलीभगत से जेसीबी व ट्रैक्टर से कार्य करवाया गया है। इतना ही नहीं, मास्टर रोल में अपने रिश्तेदारों व हितेशियों का नाम दर्ज कर ग्रामीणों के साथ छलावा किया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा सरपंच सचिव व जनपद पंचायत सीईओ से गोठान निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी गई है, लेकिन ग्रामीणों को सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लग पाया है। ग्रामीणों की माने तो सरपंच सचिव के लापरवाही और मनमानी की हदें इस कदर है कि ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई पंचायत बैठक आहूत नहीं की जाती और स्वयं ही दस्तखत करके सभी कार्य कर लिए जाते हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा इन सभी मामलों के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके गहरी नींद में सोए उच्च अधिकारियों द्वारा सरपंच सचिव व रोजगार सहायक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यह बात लोरमी जनपद के अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। यहाँ 2018-19 में गौठान निर्माण कार्य मनरेगा तहत 54 लाख रुपया राशि यहाँ स्वीकृत हो रही, एम टोटल का कि थे मनरेगा के तहत काम होना रही, लेकिन रोजगार सहायक उस सरपंच के द्वारा एम जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से काम कराए गए हवे और जो मतलब मजदूर से कराना रही। ओकर बाद ई मन का करे है रोजगार सहायक है अपन पूरा रिश्तेदार, अपन मन के पहचान वाले, अपन दोस्त यार के कम से कम 1,10,565 रुपये के फाल्स हाजिरी डाले गए है। एकर मैं हर शिकायत करे हवा ये फार्म में के पूरा ठेकेदार से काम भी कराए गए, ऐसे करके जिला कलेक्टर से कर दिए हैं, एसडीएम से किए हैं और क्या बोलते हैं सीओ से भी किए हैं और ये साथ में अटैच भी करे हवा कि ये जॉब कार्ड में इतने इतने हज़ार रुपए के फाल्स हाजिरी रोजगार सहायक के द्वारा डाले गए हैं ऐसे करके और ये मशीन से काम कराए गए, होकर फोटो भी लगा दिए हमारे यहाँ। खैर अब जाँच वाँच मतलब करत है कि नहीं करत है अधिकारी मन कोई भी ध्यान नहीं देते। कितना दिन हो गया आवेदन लगा? आवेदन लगाए हुए मोला कम से कम 3 रोज हो गए और एक ठो आवेदन लगाए हुए कम से कम एक ठो और आवेदन लगाए थे हम लोग, ये दो ढाई महीने हो गया है और इसका जांच ही नहीं हुआ। इसको तीनों कार्यालय में यहाँ जनपद में लगाए थे, एसडीएम कार्यालय में और कलेक्टर के पास लगाए थे और जिला पंचायत में भी लगाए थे, 4 जगह लगाए थे आवेदन। अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है, अधिकारियों द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा है और कोई भी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर न रोजगार के सहायक के ऊपर किया जा रहा है और ना ही सरपंच के ऊपर किया जा रहा है। टोटल पूरा घोटाला ही किया गया, घोटाले के साथ साथ भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हैं रोजगार सहायक और सरपंच के द्वारा, उनका घर भी इन्हीं से यहीं से मटेरियल उठा कर ले जाकर अपने घर को भी निर्माण किए गए हैं। पर वाह, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को देखिए तो इतना सेटिंग के साथ हुआ है जिसका सीमा नहीं है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इनसे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, हमारा क्या होगा ऐसा करके उन लोग घूम रहे हैं। मेन समस्या तो बहुत सारी है गांव का, जितना सीसी रोड था सारे सीसी रोड को नहीं बनाया गया सरपंच सचिव द्वारा, अपन शिकायत किए लगभग 2 महीने हो गए, उससे पहले RTI लगाए थे जानकारी नहीं दिया गया और कितना दिन पहले आ गया? आज 2.5 महीने हो गया RTI लगाए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी अच्छा, नहीं। आप पंचायत में लगाए थे कि जनपद पंचायत में लगाए थे? उसके बाद फिर सेकेंड अपील के लिए सचिव जी के सीओ जी के पास गए थे, सीओ भी एक्सेप्ट नहीं किए, बोले हाँ दे देगा करके मौके तौर पर बोले, पर अभी तक हमको RTI का जवाब नहीं मिला। फिर अपन शिकायत किए, जो जानकारी मिला था 4 जो रोड है जिसका पैसा खा दिया गया सरपंच और सचिव द्वारा, और अभी हमको इस महीने विशेष ग्राम सभा का जो बैठक होना था ये लोग करवाया नहीं। जानकारी मांग लेंगे, गांव के सब लोग तैयार थे वहाँ जाकर जानकारी लेंगे, पर ना तो यहाँ
विशेष ग्राम सभा करवाया गया और पेपर में करवा दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि क्या ग्राम सभा है, कैसा कोई दस्तखत वस्तखत भी नहीं चला है। अच्छा, क्या चीज़ हुआ? मैं पंच हूँ, 8 क्रमांक 18 से ग्राम पंचायत। बहरहाल भ्रष्ट सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ग्रामीणों के हक को मारकर मदमस्त हैं। लेकिन इस मामले के प्रकाश में आने के बाद गहरी नींद में सोए अधिकारी आखिर कब तक जागते हैं और इस ओर उचित जांच कार्रवाई आखिर कब तक करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।